अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है हम इधर बाहर वाली साइड पे आए हुए हैं। ये जो है हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए जब हम चल के आए तो मैं जो थी वो थक गई, तो थोड़ी देर में बैठ गई। और इधर हमने ये जो है वो चारा लगाया हुआ है जानवरों के लिए, और इधर हम लेने आए हैं मोगरे और साग। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मोगरे क्या होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि मोगरे क्या होते हैं। मोगरे जो होते हैं वो मतलब मूलियाँ होती हैं। दो तरह की मूलियाँ होती हैं। एक जो मूलियाँ होती हैं वो मीठी होती हैं, उनको हम मूली बोलते हैं, ठीक है। मूलियाँ मतलब नॉर्मल मूलियाँ ही होती हैं। जो दूसरी होती हैं वो भी मूलियों की तरह की होती हैं, लेकिन वो कड़वी होती हैं। और ना जब वो बड़े उनका पौधा बड़ा हो जाता है, तो उनके ऊपर से सफ़ेद कलर के ऐसे फूल निकल आते हैं, और उनके फूलों से बनते हैं मोगरे, और वो हम पकाते हैं उनका सालन। जब हम घर से निकले थे तब तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सर्दी भी थी, लेकिन जब मैं इधर आई इतनी तेज़ धूप और जो है वो गर्मी लगना स्टार्ट हो गई, तो इसलिए मैंने जर्सी उतार दी थी। और अब हम तोड़ने लगे हैं साग, क्योंकि हमने मोगरे जो है वो काफ़ी तोड़ लिए हैं, तो अब हम साग तोड़ेंगे। हम इकट्ठी दोनों चीज़ें ले जाते हैं, क्योंकि फिर बार बार जो है वो आया नहीं जाता इस साइड पर। और टोटल हमने इतना साग तोड़ लिया है, और अब हम इसको बांध के घर ले जाएंगे। आज जो है हम साग पकाएंगे और मोगरे जो है वो रख देंगे, वो हम नेक्स्ट डे पकाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।